और एडिशन आ गया, ये तो नहीं लगवाना है हमें। और इधर आ गया ये वाला जोकर एडिशन वाई सो सीरियस। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज हम लोग चूज करने वाले अपने वैम के लिए ग्राफिक्स। लास्ट वीडियो में बताया था कि वैम पे हमने ग्राफिक्स के लिए सोच रखा है, बट कौन सा ग्राफिक होगा क्या होगा वो हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। तो अभी हम लोग निकालेंगे बाइक को एंड उसके बाद सीधा चलेंगे श्याम ऑटो, वहां पे कौन सी हमें ग्राफिक्स लगानी, कौन सी डीकेस लगवानी है वो आपको दिखाएंगे। वैसे आज तो काफी लेट हो रहा है, 3:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, तो हम लोग आज तो नहीं लगवा पाएंगे, बट आज हम लोग ग्राफिक को सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद चलेंगे शॉर्ट राइड पे। तो चलो पहले यहाँ से चलते हैं। एंड बहुत लोगों ने कमेंट किया यार घर से ब्लॉग स्टार्ट किया करो, काफी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो अब से रेगुलर ट्राई करेंगे घर से ही ब्लॉग स्टार्ट करना। अगर जल्दी जल्दी में निकल गए तो भाई फिर तो गोप्रो पे स्टार्ट होगा, अदरवाइज ऐसे घर से स्टार्ट करेंगे ब्लॉग करना। तो अभी बिना लेट के यहाँ से निकलते हैं एंड अभी हम लोग रेडी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अपना फ्रेंड भी आ रहा साहिल, अपनी V3 या फिर RC लेकर आएगा, पता नहीं, वो तो चल के ही पता चलेगा। तो यहाँ से निकलते हैं, बाइक पे मिलते हैं आप लोगों से। और बाकी सारी बाइक्स वैसे ही गंदी अभी तक है, तो उसको मैं क्या ही दिखाऊं, कल आपने देखा ही था वीडियो में कि बाइक कितनी गंदी हो रखी थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन जिसको राइड करना होगा उस दिन उसको निकाल के धुलवा लेंगे। अभी वॉश करा के ऐसे लगाना कोई सेंस नहीं बनता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप लोगों को भी जब ग्राफिक दिखाऊंगा कि कौन सी ग्राफिक्स आप लोग को भी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने ना इसीलिए एक दिन का टाइम लिया है। मैंने सोचा कि चलो एक बार आप लोग से भी पूछ लेते हैं। आज मैं ये देख कर वीडियो अपलोड करूंगा कल एंड उसके बाद पूरा आप लोग का कमेंट पढ़ लूंगा। आप लोग का जो ज्यादा कमेंट्स आएगा जिस ग्राफिक के अकॉर्डिंग उस पर हम लोग वर्क करेंगे, मतलब उस ग्राफिक को ही हम लोग अपने बाइक में लगवाएंगे। तो चलो बिना लेट के सीधा गाइस आप लोगों से मिलते हैं ऑन गोप्रो एंड उसके बाद राइड करते हैं वैम को। तो आ चुके हैं बाइक पे एंड भाई अंकल ने अभी क्लोज कॉल दे दिया तो अभी चल रहा है अपन श्याम ऑटो एसेसरीज एंड आज मैंने ग्लव्स दूसरा पहना। कल मैंने बताया था कि ग्लव्स से प्रॉब्लम हो रहा था, हाथ बहुत टाइट से फील हो रहा था, तो आज हमने ग्लव्स चेंज कर दिया सो दैट कम्फर्टेबली राइड कर पाऊँ। ओ ओ ओ ओ ओ भाई ये क्या था भाई, यार एक पूरा का पूरा नारियल गिर के सीधा सामने आ गया भाई, मेरे को लगा अभी तो मैं गया, बट इट वॉज लकी सेफ। एक दिन में ही ना बाइक पे ना पूरा कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाता, जैसे आपने मुझे कल बाइक राइड करते हुए देखा होगा, कल मैं बहुत आराम से चला रहा था, बट आज देख लो आज बिल्कुल फ्रीली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चला पा रहा हूँ। उसका बस यही रीज़न है प्रैक्टिस छूट चुका था और जैसे एक दिन मैंने भाई बाइक चलाया उसके बाद सारा कुछ रिकॉल हो गया। तो अभी जल्दी से पहुँचते श्याम ऑटो भाई एंड कौन सा यार डीकल्स कराऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फ़ोटोज़ भैया ने कुछ भेजे थे बट सामने से जाकर ही समझ में आएगा, फ़ोटोज़ में एक्चुअली चीज़ समझ में नहीं आते उतने जितना क्लियर सामने से समझ में आएगा। एंड एक और चीज़ बताना कि अपनी गॉडज़िला पे मुझे बहुत जल्दी रैप होने वाली है, मतलब कुछ यूनिक से हमने डिकल सोच रखा, बट वो जो डिकल है ना वो कहीं और से मंगवा रहे, कुछ कस्टम सोच रहे उस पर करवाने का थोड़ा यूनिक सा। तो पहुंच चुके श्याम ऑटो एसेसरीज एंड यहाँ पे लगाते हैं बाइक को। ये लगी है भाई साहिल की V3। हेलो हाय डूड, स्पीड बनना, क्या करा रहे हो? एग्जॉस्ट। तो अभी हम लोग आ चुके श्याम ऑटो, यहाँ पे बहुत सारे डिकल्स हमने देखा है, बट उसमें से पसंद कौन सी आएगी ये मुझे खुद नहीं पता क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो ये देख सकते हो, ये रही भाई BMW एडिशन, ये तो भाई मैं नहीं कराने वाला, HP4 एडिशन है। और इधर देखो इसमें तो भाई पता नहीं कौन सा, बट कुछ वुल्फ टाइप का लग रहा ना, वुल्फ जैसा ही लग रहा है कुछ। ये मास्क कहाँ से लाया भाई, पिंकी सा नीचे मिला है? नहीं इसमें कौन सा भाई, ये तो हमने अभी हटा दिया था, ये कुछ ग्रीन में जोकर एडिशन है ना, ये ग्रीन में जोकर एडिशन, ये भी कुछ खास नहीं है, ये तो फिर से HP4 एडिशन आ गया, ये तो नहीं लगवाना है हमें। और इधर आ गया ये वाला जोकर एडिशन वाई सो सीरियस। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन सब में पसंद कौन सा आ रहा है, मुझे तो भाई पर्सनली ये थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है, तुम बताओ भाई। कोई भी है, आप तो लगवा लिए होंगे पहले ही। नहीं अभी लगवाए नहीं है भाई, सच बता रहे हैं। नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो आज पसंद करने आए, कल वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद लोग जो बताएंगे वही लगवाएंगे। कमेंट ये, हाँ एग्जैक्टली, इसलिए तो एक दिन का टाइम लेकर आए हैं तुम्हारे पसंद से भाई। ये वाला तुम बता दो, ऑलवेज जोकर भाई तुम्हारा बता दो, तुम तो पहले से भाई सुपरमैन एडिशन में चल रहे हो। सुपरमैन तो है नहीं, तो फिर ये सोच रहा हूँ मैं, ये देख लो कुछ इस तरीके के भाई लुक आएगी बाइक की। तो कमेंट करके जरूर बताना और यहाँ से भी निकलते भाई। इसका प्राइस क्या आता है अप्रोक्स, एक बार बता दो भाई। अप्रोक्स इसका आपको लगभग 3500 तक का, मतलब 3500 रुपये लगा के या फिर सिर्फ इसका इंस्टॉल करके, मतलब लगा के 3500 रुपये का ये डीके लाता है। वैसे सिर्फ अगर डीके लेना चाहे तो
मतलब 1,000 रुपये लगाने का और 2,500 रुपये इसका प्राइस है। तो समझ लो प्राइस भी मैंने आपको क्लियर कर लिया। मतलब कोई सा भी ये फिर सिर्फ इसका बता रहे हो? इसका इसका बोले तो मतलब इसमें कोई सा भी? हाँ सर, R15 का कोई सा भी, और अगर कोई दूसरा बाइक का लेना हो तो उसका भी कुछ सेम ही रेट है? सबका सेम, जैसे अगर डोमिनार हो गया या ड्यूक 390 का, डोमिनार जो बड़ी बाइक होती है तो उसमें स्टिकर्स जो होते हैं ना वो साइज बढ़ जाता है। ओके, लगभग प्राइस आपका इंक्रीज हो सकता है, मतलब 2,500 से 3,000 के बीच में मिल जाएगा। चलो गाइस, तो आपने समझ लिया, 2,500 से 3,000 के बीच में आपको ऐसे डिकल्स मिल जाएंगे। और ये ना फॉर अ शॉर्ट टाइम बहुत अच्छा है आपको, ज़्यादा नहीं, अगर 6-7 महीने के लिए बाइक पे कुछ न्यू लुक चाहिए तो उसके लिए आप ये चूज़ कर सकते हो। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से ऑन बाइक। बैग वैग लगा के पता नहीं कहाँ जाने का प्लान में है। मैंने बोला यार बाइक चलाने टाइम ये बैग बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो इससे बेटर है कि इस टाइप का ना थाई पाउच रखा करो, ये ज़्यादा बेटर है। इसमें ना मैंने पूरा भाई DSLR रखा है जिससे मैं व्लॉग करता हूँ, ये पूरा इसमें आ चुका है, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो फिलहाल चल रहे हैं हज भवन की तरफ एंड बाइक को थोड़ी भगा कर देखते हैं। कल तो बाइक को सही में भगा नहीं पाए थे, आज थोड़ी भगाने की ट्राई करते हैं। ओ भाई, स्कॉर्पियो वाले ने कट मारा। ये देखो भाई किस तरीके से V3 भाग रही है। और सामने बिल्कुल प्यारा सा सनसेट होता हुआ। टाइम इज 4:52, मतलब विंटर्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट, देख सकते हो। विंटर्स में ना 5-5:30 तक मतलब पूरा अंधेरा हो जाता है। अभी 5 बजे देख सकते हो पूरा डार्क हो चुका है एंड 15 से 20 मिनट में पूरा भी अंधेरा हो जाएगा। विंटर्स ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें ना कोई चीज़ का लोड नहीं है यार। आपको ना आपको AC की ज़रूरत होती है, ना आपको फ़ैन की ज़रूरत होती है, आप कहीं भी आराम से राइड कर सकते हो। आपकी बॉडी थोड़ी कम एग्जॉस्ट होगी जिस तरीके से समर्स में होती है, एंड बॉडी डिहाइड्रेट होती है समर्स में काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। तो ये एक मेन रीज़न है मुझे विंटर्स ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बाइक को ज़्यादा राइड करता हूँ एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, कहीं भी राइड करता हूँ तो बाइक पे ही करता हूँ, दैट्स द मेन रीज़न। बहुत लोग को समर पसंद होंगे, बहुत लोग को रेनी सीज़न पसंद है। देखो मुझे रेन पसंद है, बट बीइंग अ बाइकर मुझे रेन उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे देख के तो लग रहा है ये वाला रोड है जो वो बिल्कुल न्यू बना है, क्योंकि रोड एकदम ज़्यादा ब्लैकिश दिख रहा है एंड साथ ही साथ इस पर भी कोई भी लीन मार्क्स नहीं लगे, वाइट जो स्ट्रिप्स होते हैं रोड पर वो नहीं लगे पड़े। जो मज़ा वैम से ट्रैफिक फिल्ट्रेशन करके आता है ना, वो किसी बाइक से मुझे नहीं आता। अब आने देते साहिल को भाई, काफ़ी पीछे हो गया होगा वो। अरे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा डिकल पसंद आया, क्योंकि आप लोग कमेंट जितना जल्दी करो, क्योंकि कल मुझे लगवाना भी है। मतलब आप जो ये वीडियो देख रहे हो तो आज आपकी कमेंट्स पर के ही मैं वो डिकल्स चूज़ करूँगा। मेरा तो भाई फेवरेट जोकर पसंद आ गया मुझे, तो आप लोग जैसा कमेंट करोगे, थोड़ा अगर ज़्यादा कमेंट किसी और का आ गया तो वो लगवा लेंगे। ये भी चार्ज हो गया भाई, होंडा CB350 RS। आई नो गाइज, आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे एग्जॉस्ट नोट को, बाइक में एग्जॉस्ट नहीं लगी पड़ी है एंड एग्जॉस्ट लगाने का भी मेरा कुछ प्लान तो हो रहा था, बट मैं सोच रहा हूँ पहले डिकल्स लगवा लेता हूँ, एग्जॉस्ट का आगे देखा जाएगा। वैसे मैंने इसमें स्टार्टिंग में एग्जॉस्ट लगवाया था, काफ़ी टाइम तक मैंने इस बाइक में एग्जॉस्ट लगा के रखा था, बट फिलहाल अभी ना मुझे वो साउंड सुनने का मन नहीं कर रहा। जब से मैंने इनलाइन 4 लिया है तब से मैं सोच रहा हूँ
कि भाई इन सब बाइक्स में ना अब रहने देते, काफ़ी हो गया। स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आता था, बट समटाइम्स ना मुझे खुद में इरिटेटिंग लगता है वो सारे साउंड। मैं सोच रहा हूँ एग्जॉस्ट का प्लान ड्रॉप ही कर देते हैं, वरना अगर प्लान हुआ तो ज़रूर कुछ ना कुछ लगवाएंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं ज़ारा में लगवाऊंगा, क्योंकि ज़ारा को ना मैं बहुत कम राइड करता हूँ, तो कभी कभी के लिए वो ठीक रहेगा। इसको मैं थोड़ा अब ज़्यादा राइड करने वाला हूँ, बाइक बहुत कम चली है अपनी, तो इसका मेन रीज़न यही है कि अब इसको भाई अपन ज़्यादा चलाएंगे, किलोमीटर ज़्यादा क्लॉक करेंगे इस पर। वैसे इस बाइक पे भी डीकल सी लगा पड़ा है, आप देख सकते हो सुपरमैन एडिशन। पहले भी मैंने इस बाइक का पूरा आपको डिटेल वीडियो भी दिखाया, तो इसी टाइप का कुछ डीकल हमने सोचा है इस पे। जैसे मतलब जो लुक आएगा ना वो कुछ उसी टाइप का आएगा, फोटोज़ में ना आपको लगेगा नहीं कि वो डीकल से, वो दूर से देख के आपको बाइक पेंटेड ही लगेगा, बट जब पास से आओगे तो वो एक रैप होगा, वो एक डीकल होगा। डीकल का मतलब ये होता है कि वो जैसे एक रैप होता है, उसके ऊपर पूरा ग्राफिक्स बना रहता है, वो आपके बाइक स्टिकर की तरह चिपक जाता है। एंड कुछ टाइम आप उसको आराम से रखो और उसके बाद जब मन करे उसको हटा सकते हो। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि उसके लिए आपको बाइक के पेंट को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ेगा, बाइक की पेंट आपकी जो है वो सेफ़ रहेगी। अच्छा जल्दी जल्दी में भाई 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 भाई, भाई ये क्या कर रहे हैं अंकल यार, ये लोग रॉन्ग साइड क्यों जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। इतना बड़ा गोल चक्कर है, घुमा कर जा सकते हैं, पता नहीं कितना इनका फ्यूल बच जाएगा। तो मैं ये बोलने वाला था कि आज ना मैं जल्दी जल्दी में जैकेट पहनना भूल गया, और जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं सिर्फ शर्ट में निकल चुका हूँ, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा अभी से ही मुझे लग रही है। मैं आज की वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चल पे मिलते हैं गाइस फिर किसी ऐसे वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय गाइस एंड राइड सेफ। ये देखो भाई बीच रोड पर कार रोक रखा है इन्होंने, क्या कर रहे ये लोग भाई। तो चलो गाइस मिलते हैं, अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ, राइड हार्ड।